वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। ये ब्लॉग मैं वार्डरोब का बना रहा हूँ जो मेरे घर में बने हुए हैं गाइस, और सारे का कॉस्ट भी बताऊंगा कितने कितने के लगे हैं, ये टोटल सारे बता दूंगा लास्ट तक गाइस। ये मैं एक वार्डरोब बनाया चैनल पे है गाइस, स्लाइडर डोर के साथ है गाइस। ये 100 रुपये में एक देता है और ये ताला 400 में देता है गाइस। दो हैंडल लगा हुआ इस तरह से खुलता है गाइस, ये इस तरह से दो है ड्रॉवर। ये चैनल गाइस 300 में नहीं सॉरी 2200 में सेट देता है, 2200-2500 लग जाता है, ताला वाला लेते लेते 2800 तक चला जाता है। ये नीचे इस तरह से है गाइस, ये सबसे खुलता है और ये तो लॉक है अभी। ये सेम हैंडल, ये हैंडल गाइस 4 इंच का है, ये आपको 300 के करीब देता है गाइस। हम 356 में खरीदा था गाइस, एक पीस 356 में, लेकिन ऑनलाइन में सस्ता पड़ जाएगा, मैंने दुकान से ले लिया था पीस 356 रुपये। जीप ये का है, जीप डिज़ाइन। एक ये है ड्रॉअर गाइस, ये फिर 12 इंच लगे हुए हैं, 480 ऑनलाइन लिया था इसलिए सस्ता पड़ा है, दुकान में तो बहुत महंगा। ये भी ऑनलाइन लिया था 12 इंच। ये एक है गाइस, ये लॉक गाइस दिए थे, होलसेल से लिया था 150 रुपये पीस, 160 रुपये पीस। ये लिंक का लगा हुआ है गाइस, ये सेल्फ बटन तो 30 रुपये पीस देता है गाइस, 6 पीस लगा हुआ है, 800-900 लगेगा गाइस। और ये पूरा अंदर ये सॉफ्ट क्लोज कॉर्नर कब्जा वही 300 रुपये सेट। इस पूरे बनाने में गाइस ये एक अलमारी में सिर्फ इसमें ज़्यादा खर्च हो गया गाइस, 30,000 के करीब गिर गया था ये अलमारी में, कि प्लाई ज़्यादा लग जाता है और इसका बनाने का कॉस्टिंग 8-10 हज़ार ले लिया था, 8,000 से 10,000 के बीच में। ये स्लाइडर के कारण, बाकी नॉर्मल वार्डरोब तो 5-5 हज़ार में बनाएगा, इस रूम वाला थोड़ा सा महंगा बनाया। आपको मैं दूसरा दिखा देता हूँ, इस डिज़ाइन में पूरा डिज़ाइन दिखा देता हूँ इस तरह से है। ये इस तरह से खुलता है, ये भी सॉफ्ट क्लोज है गाइस, खुद से लग जाएंगे। एक इस तरह से विंडो भी बना, वहाँ पे बना हुआ है।